लैपटॉप अच्छा हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैपटॉप सस्ता हो ये उससे भी अच्छी बात है। आज मैं ढूंढूंगा एक ऐसा लैपटॉप जो कि अच्छा भी हो और सस्ता भी हो। दोनों चीजें एक साथ मिलना जरा मुश्किल है, लेकिन देखते हैं कि मार्केट में हमें क्या मिलता है। ये तो लैपटॉप की जन्नत है। मेरी ज़रूरत क्या है, मैं लैपटॉप क्यों इस्तेमाल करता हूँ? मुझे करनी होती है लैपटॉप पे वर्ड प्रोसेसिंग, उसके बाद स्प्रेडशीट्स के ऊपर काम करना होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना होता है, इंटरनेट डाउनलोडिंग, वीडियोस, मूवीज, सॉन्ग सुनता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट गेम्स खेलना, ये भी लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़रूरी है। दुकानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसी अच्छी सी दुकान में जाके मैं पूछूं कि लैपटॉप कितने का है और उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। कोई अच्छी सी दुकान ढूंढते हैं, कोई ऐसा लैपटॉप हो जिसको देखते ही दिल खुश हो जाए, बेहतरीन सा लैपटॉप। ये इसके क्या फीचर्स हैं? फीचर्स है कोर i7 है, 2.7 GHz, 3.4 टर्बो बूस्ट है, 4GB रैम है, 500GB हार्ड ड्राइव है। अच्छा, और इसकी प्लस 1GB ग्राफिक कार्ड है। 1GB ग्राफिक कार्ड, और इसकी प्राइस क्या है? प्राइस इसकी है 1,26,000। 1,26,000। जोर का झटका हजारों से लगा। एक चाहिए मुझे। हाँ, एक ही लैपटॉप की प्राइस है। नहीं, असल में 1,26,000 जो है वो अमाउंट थोड़ा कम है, मतलब इससे ज्यादा महंगा कोई है लैपटॉप तो वो बता दें। नहीं, फिर तो इतना सस्ता लैपटॉप खरीदना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, किसी और दुकान में चलते हैं, बहुत सस्ता है ये लैपटॉप। जो यहाँ पे रखे हुए हैं ये न्यू है, यूज्ड है? यूज्ड नहीं है। अच्छा, मुझे इनकी कॉन्फ़िगरेशन और प्राइसेस थोड़ी सी बता देंगे? जो HP वाला रखा है इसके अंदर जो है स्पीड है 2 GB कोर टू डू, 4 MB L2 कैचे के साथ है ये, और 2GB रैम है। ये आपको मिलेगा अगर कोई आता है कस्टमर तो 24,000 रुपये का है ये। बहुत सारी दुकानें देख ली, अब तक कुछ समझ में नहीं आया। ये बताइए कि लैपटॉप अगर कोई शख्स ख़रीदना चाहे तो सबसे पहले उसको क्या चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी है जो उसे चेक करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यूजेज, कि उसका यूजेज क्या है, इसके बाद उसका बजट, किसी किस बजट में इसको काम होता है। अलग अलग ब्रांड्स हैं बहुत सारे, उन ब्रांड्स में से उसको किस ब्रांड को प्रेफर करना चाहिए? आई वुड लाइक HP एंड डेल, बिकॉज इसका पार्ट बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप टॉशिबा और सोनी की तरफ स्विच करते हैं उनका पार्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये जो लैपटॉप्स हैं नए, उनमें एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और सस्ते से सस्ता लैपटॉप नया कितने का मिल जाएगा? अराउंड 34,000 to 35,000 ड्यूल कोर टेक्नोलॉजी, और ये नॉर्मल स्पेक्स होते हैं, 2.3 GHz ड्यूल कोर, 3GB रैम, 320GB हार्ड, इसमें विंडोज़ आपको लाइसेंस मिल जाती है, हर चीज़ अवेलेबल है, और लैन, वाईफाई, कैमरा, ब्लूटूथ, DVD रीडर, कार्ड रीडर, HDMI, SATA, इसमें लोग जिसको फॉलो करते हैं ये चीज़ स्टैंडर्ड हो चुकी है। बैटरी लाइफ में क्या सीन? बैटरी लाइफ का सीन कुछ ऐसा है कि देखें, नॉर्मली ब्रांड न्यू लैपटॉप का बैकअप होता है 3 hour+। कोई अच्छा सा लैपटॉप दिखा दें कि भाई कौन सा लैपटॉप है, क्या है? अच्छा, ये कौन सी मशीन है? दिस इज HP ड्यूल कोर 34,000 विद लाइसेंस्ड विंडोज सॉफ्टवेयर। तो फिर डिसाइड ये हुआ कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये मशीन, तो फिर पैक कर दीजिए। Sure. बिल्कुल। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बाकी है ईको फ्री की टॉप एंट्री।